कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया। इस फैसले के लेते ही यमुनानगर में काम करने वाले मजदूरों को पहले जैसे हालात का डर सताने लगा और पहले ही दिन भारी संख्या में मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया। यमुनानगर के आसपास के इलाकों में आज कोई वाहन न मिलने से मजदूरों को पैदल ही कई किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ा। सरकार ने भले ही अभी कोई सख्ती नहीं दिखाई, लेकिन मजदूर अपने घर जाने के लिए लौटना शुरू कर चुके हैं। मजदूरों को घर जाने की जल्दी देख कुछ निजी बस मालिकों ने बस का किराया भी डबल कर दिया और आज बड़ी संख्या में मजदूरों के हाथों में कुछ निजी टिकटें भी देखने को मिली, जिनमें किराया तो महज 1800 रुपये लिखा हुआ था, लेकिन इन मजदूरों का आरोप था कि उनसे 3000 तक वसूले गए हैं। जी, लॉकडाउन के चलते ऑफिस जाना है, ऑफिस है जी, वहाँ पर आ गया ऑफिस है जी। क्या कितने? पहले 1200-1000 रुपये लगता था, अब बता रहे हैं 2500-3000-2000-1800 रुपये। ये हमारा यहाँ से मोतिहारी तक है, पिपरा कोठी तक जी, हम लोग तो भाड़ा लगता है जी भाई 1200-1300 रुपये भाड़ा। अब कितना कर दिया? अब ये कर दिया 1800-2500 जी। हालांकि लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट करवा रहा है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वहीं बंद पड़ी दुकानों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जिला यमुनानगर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 3 मई से 10 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए हैं। गड़ुआ किस लिए? हम बस अपने ये लॉकडाउन लग गया ना चलने का में। हाँ, सामान ले जा रहा। कितने लोग थे आपके साथ? भाई यही गाँव है हम। 10 किलोमीटर दूरी से आए हूँ और गाँव जाना चाहता हूँ बिहार में सर। क्या करेंगे, खाने पीने का जब जवाब दे दिया रात में 9 बजे, रात में जवाब दिया कि फैक्ट्री बंद हो गया तुम लोग जाओ, नहीं पैसा दिया नहीं कुछ दिया, तो क्या करें सर। हम लोगों तो जवाब दे दिया ना फैक्ट्री वाला मालिक ने, तो तुम लोग जाओ, कुछ नहीं खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर रह करके क्या करेंगे सर।